भटके विमुक्त वर्ग के लिए सीडी योजना का उद्घाटन 16 फरवरी को भारत सरकार द्वारा उद्घाटन किया गया। इस योजना से भटके विमुक्त वर्ग को शिक्षा, आवास योजना, हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य सुविधा और अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में विमुक्त घुमंती जनजाति विकास व कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष दादा साहेब इदाती द्वारा दी गयी। भटके विमुक्त वर्ग के लिए भारत सरकार द्वारा आर्थिक सशक्तिकरण योजना हाल ही में शुरू की गई है। इस योजना के तहत भटके विमुक्त वर्ग के लोगों को कई क्षेत्र में लाभ मिलेगा, जिसमें शिक्षा क्षेत्र, घरकुल आवास योजना, स्वास्थ्य सुविधा, हेल्थ इंश्योरेंस, इसके साथ ही विविध सुविधाओं का लाभ वर्ग के लोगों को मिलेगा, जिससे भटके विमुक्त वर्ग के लोगों को समाज के मुख्य प्रवाह से जुड़ने में आसानी होगी। इस वर्ग का आर्थिक सक्षमीकरण होगा, ऐसा विमुक्त घुमंतु जनजाति विकास व कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष दादा साहेब इदाती द्वारा आयोजित पत्र परिषद में कहा गया। मुख्यतः आज तक जिस समूह को कुछ मिला नहीं है, आतापर्यंत ज्या भटक्या विमुक्तांना कोणत्याही प्रकारचा लाभ झालेला नाही, अशा आपल्या सर्व बांधवांच्यासाठी भारत सरकारने सीड योजना ज्याला म्हणतात, म्हणजे स्कीम फॉर इकॉनॉमिक एम्पावरमेंट और DNT, ये चार शब्द मिलकर सीड शब्द हुआ है। तो या सीडचं उद्घाटन भारत सरकारने 16 फेब्रुवारीला दिल्लीमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटरमध्ये केलं, ज्याच्यामध्ये शिक्षण, घरकुल योजना, हेल्थ इन्शुरन्स, आरोग्य सुविधा अँड लाईव्हलीहूड, जीवन जगण्यासाठी छोट्या मोठ्या गोष्टींना मदत करणं, अशा तऱ्हेच्या चार स्कीम्स भारत सरकारने लॉन्च केल्या आहेत आणि या वर्षामध्ये। इसी के साथ दादा साहेब इदाते बोले कि इस साल मार्च आखिर तक 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आम जनता को आवास मिलेगा, शिक्षा क्षेत्र स्पर्धा परीक्षा के लिए छात्रों को सुविधा मिलेगी। इसी के साथ स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए 5 लाख का निधि दिया जाएगा। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।